फैमिली, मैं हूँ मारिया और आप सबको जी खुशामदीद, वेलकम ऑन माय चैनल। और उम्मीद करती हूँ कि जी आप सब जो हैं वो ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और जी बड़े मज़े से होंगे। और आज की वीडियो है जी हेयर कलर पर, और हेयर कलर पर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुकी हूँ और आपको जो है वो बेहद पसंद भी आती हैं हेयर कलर्स की वीडियोस। लेकिन आज की वीडियो जी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने के साथ साथ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे ढेरों मैसेज आते हैं इस पर कि जी प्लीज़ हमें ये बताएं कि ग्रे हेयर्स पर हमने ऐसा कौन सा कलर शेड अप्लाई करना है कि हमारे ग्रे हेयर्स जो है वो 100% कवर हो जाए और हमारे बालों में बहुत ही प्यारा सा एक कलर आ जाए, फैशन शेड आ जाए, हमारे बाल बहुत प्यारे लगे और ग्रे हेयर्स भी कवर हो जाए। ग्रे हेयर्स जो कि जिन पर हर कलर इजीली नहीं आता, होता ही है कि जब आपके ग्रे हेयर्स होते हैं, आप जब जाते हैं कलर लेने के लिए, जो कलर भी आपको फैशन शेड पसंद आता आप ले आते हैं और अपने बालों पर अप्लाई कर लेते हैं, फिर रिजल्ट ये निकलता है कि या तो ग्रे हेयर्स आपके कवर ही नहीं होते या फिर ये कि थोड़े बहुत हो जाते हैं, हल्का सा शेड आ जाता है और जो कि कुछ ही डेज में जो है वो निकल जाता है और आपके फिर से बाल जो है वो वाइट दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये ग्रे हेयर्स जो होते हैं इनके ऊपर बड़ा सोच समझ के कलर चूज किया जाता है, को हर कलर आप उठा के फैशन शेडिंग के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो आज मैं आपके साथ जो है वो कलर शेड करूंगी, कलर शेड जो आपके साथ शेयर करूंगी कि आपके 100% ग्रे हेयर्स को कवर करेगा, उसके साथ साथ आपके बालों में एक बहुत प्यारा सा फैशन शेड भी लेकर आएगा, आपके बाल इससे बहुत प्यारे लगेंगे और आपके ग्रे हेयर्स भी 100% इससे कवर हो जाएंगे। और चलें जी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं कि जी कौन सा शेड है, वो कलर कौन सा है और इसको अप्लाई कैसे करना है। चलें जी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सबसे तो रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर या फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। आपका सब्सक्राइब और लाइक देके यकीन करें दिल खुश हो जाता है, सारी वीडियो बनाने की थकावट दूर हो जाती है, बड़ी मेहनत से बनती हैं ये वीडियोस। और जी आपने बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मेरी फर्दर वीडियो से जो है वो आप अपडेट रह। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम अपने हेयर कलर को। और यहाँ पर जी रेवलॉन हेयर कलर में मैंने जो शेड नंबर लिया है वो है जी 41 और ये शेड नंबर आपने लेना है। और जो बॉक्स के ऊपर ये जो हेयर कलर बना हुआ ना, यही आपके बालों में एग्जैक्ट आएगा, बहुत ही प्यारा सा शेड है ये। और यहाँ पे मैं क्लियर करके आपको दिखाती हूँ 41 शेड नंबर और मीडियम ब्राउन शेड है ये, ठीक है जी, मीडियम ब्राउन शेड है और जो बॉक्स के ऊपर हेयर कलर बना हुआ यही आपके बालों में आएगा। और ये जो शेड है ये आपके बालों को जो है ग्रे हेयर्स को जो है वो 100% कवर करेगा और उसके साथ साथ ये बहुत प्यारा सा जो बॉक्स के ऊपर कलर बना ना ये वाला आपके बालों में आएगा। और इससे डार्क अगर आप लेंगे तो वो फिर ब्लैक टोन की तरफ चला जाएगा, या ब्राउन या डार्क ब्राउन लेते हैं तो वो फिर ब्लैक ब्लैक आपके बालों को कर देगा, लेकिन मीडियम ब्राउन 41 शेड नंबर लेते हैं तो बहुत ही प्यारा सा शेड आपके बालों में आएगा और ग्रे हेयर्स भी 100% इससे कवर हो जाएंगे। बॉक्स खोलेंगे तो वहाँ तो इसमें से ये तमाम चीज़ें निकलती हैं जी, कंडीशनर और कलर डिवेलपर और कलर डिवेलपर क्रीम, ठीक है जी। और ये जो कंडीशनर ना रेवलॉन का, बाय द वे मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। और यहाँ पर जी इंस्ट्रक्शन पेपर होता है जिसके ऊपर जी ग्लव्स दिए होते हैं। अच्छा, कुछ हेयर कलर्स के साथ ना हैंड ग्लव्स नहीं दिए गए होते, तो मुझे रेवलॉन कलर की ये बड़ी अच्छी बात लगती है कि ये हैंड ग्लव्स देते हैं। यहाँ पर वैसे इंस्ट्रक्शन भी लिखी होती हैं लगाने की जी, जो फर्स्ट टाइम लगाते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे जी हैंड ग्लव्स मैंने जो है वो रिमूव कर ली है और चलें जी अब स्टार्ट करते हैं हम अपने हेयर कलर को मिक्स करना। अच्छा, जितने आपके ग्रे हेयर्स हैं आपने उस लिहाज से कलर ले लेना। यहाँ पे मैंने हाफ ली, मतलब मैंने मुझे जितना चाहिए था मैंने उतना ले लिया। और जितनी आपने कलर क्रीम लेनी है उतना ही आपने उसका डिवेलपर ले लेना, कलर डिवेलपर दोनों को आपने इक्वल क्वांटिटी में डालना, ठीक है। बस यही इजी सा इसका तरीका होता है कि दोनों चीज़ों को आपने इक्वली मिक्स करना होता है और डालना होता है, मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं करना आपने। इन तमाम दोनों चीज़ें जो हमने डाली हैं इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने ना 5 मिनट के लिए रेस्ट देना होता है, मतलब इसको छोड़ देना, फौरन से अप्लाई नहीं करना। 5 मिनट के बाद ये देखें जी ये कलर इसका अब चेंज हो चुका है, ये डार्क साइड की तरफ चला गया, पहले राइट था थोड़ा डार्क हो गया, मीन्स ये कि अब ये कलर जो है वो बिल्कुल एक्टिव हो गया है, रेडी हो गया है अप्लाई करने के लिए। जब भी आपने कलर कोई भी अप्लाई करना है किसी भी ब्रांड का ना, तो उसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया करें 5 मिनट के बाद, उसके बाद जो है वो अपने बालों में अप्लाई करना स्टार्ट किया करें।
हाँ जी, तो कलर अप्लाई करने से पहले यहाँ पर हम अपने बालों को कर लेंगे जी डिटेंगल, ताकि जी अटके शटके जितनी भी है ना निकल जाएं, ये जी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जी मैं अप्लाई करने जा रही हूँ जी वैसलीन। अच्छा, वैसलीन इसलिए मैं अप्लाई कर रही हूँ ताकि अगर कहीं फेस पर कहीं लग भी जाए या नेक पर लग जाए तो दाग शाग ना पड़े, स्टेन ना पड़े उसका। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर जो है ये बिल्कुल रेडी है अप्लाई करने के लिए। ये इसका कलर आप देख सकते हैं थोड़ा सा डार्क हो गया है, अभी बिल्कुल तैयार है जी बालों पर लगने के लिए। और यहाँ पर कलर अप्लाई करने से पहले मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने जो हैंड ग्लव्स हैं वो पहने ही नहीं थे। चलिए जी, इसको मैं पहनती हूँ, उसके बाद जी कलर अप्लाई करना स्टार्ट करती हैं। और यहाँ पर जी अब मैं अप्लाई करना स्टार्ट कर रही हूँ जी कलर को। अच्छा, अगर आपके ग्रे हेयर्स बहुत ज़्यादा ना, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप किसी से लगवा लें कलर, ताकि वो ढूंढ ढूंढ के जहाँ जहाँ पर भी आपके ग्रे हेयर्स हैं ना, वहाँ पर जो है वो ये कलर अप्लाई कर दें। अदरवाइज़ खुद लगाते वक्त अक्सर कुछ कहीं से रह भी जाता है। अगर कोई भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरी तरह जिस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ सेक्शन वाइज कॉम से बालों को, आप इस तरह से कलर अप्लाई करें। अपने आपने ज़्यादा फोकस जो कलर का है वो ग्रे हेयर्स पे करना, भर भर के आपने ग्रे हेयर्स पर कलर को लगाना है। और इस जिस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ, ढूंढ ढूंढ के ग्रे हेयर्स पे लगा देना है आपने कलर को, लगा देना है। और ज़्यादा आपने ज़्यादा फोकस ग्रे हेयर्स पे करना है। ग्रे हेयर्स पे लगाने के बाद जी आपने इस तरह से बालों में कॉम करनी है हल्की हल्की, ताकि हक जो कलर है वो हर तरफ बालों में जो है वो लग जाए। उसके बाद जो कलर बच चुके हैं उसको मैं जी अपने बालों की लेंथ में अप्लाई कर रही हूँ, ताकि जी बैलेंस कलर आ जाए मेरे पूरे बालों में। और बाय द वे, यहाँ पर कलर लगाते लगाते वही हुआ ना, मेरे फेस पर कलर लग गया था। खैर कोई बात नहीं, मैंने वैसे लगाई हुई थी, इसको मैं अब साफ़ कर लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर जी बालों की लेंथ पे लगाने के बाद मैं शॉपिंग बैग से अपने बालों को कवर कर लूँगी और 40 मिनट्स तक रखूँगी। उसके बाद जी वॉश करके मैं मिलती हूँ आपसे। हाँ जी, तो कलर अप्लाई करने के बाद जी मैंने 40 मिनट्स तक इसको अपने बालों में रखा था। 40 मिनट के बाद मैंने नॉर्मल वाटर से जो है वो कलर को जो है वॉश कर लिया था। पहले मैंने सिर्फ प्लेन वाटर से कलर को निकाला, उसके बाद जो उसके साथ कंडीशनर दिया होता है ना, उसके साथ मैंने अपने बालों को वॉश किया था। ठीक है जी, और आपने हमेशा ऐसा ही करना है कि जी जब भी आपने कलर अप्लाई करना है, गंदे बालों में कभी भी कलर अप्लाई नहीं करना। हमेशा आपने एक दिन पहले अपने बालों को शैम्पू से साफ कर लेना है, क्लीन कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट डे आपने साफ बालों में जो है वो कलर अप्लाई करना है। और जिस दिन आपने कलर अप्लाई करना, गलती से भी आपने उस दिन बालों में शैम्पू नहीं करना, तो वो सारा कलर आपके बालों से निकल जाएगा। और ये देखें जी, मैंने जो है बाल ड्राई हो चुके हैं, और कलर आप चेक कर सकते हैं। ये देखें कितना, आप ये देखें कि ये रूम में आप लाइट में आपको नजर आ रहा है, और वैसे डे लाइट में ये और भी प्यारा कलर लग रहा है। ये देखें जी कितना खूबसूरत कलर आया, ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको एग्जैक्ट दिखाती हूँ। देखिए जी, ये शेड मैंने अप्लाई किया था, और ये मेरे बालों में ये वाला शेड मैंने अप्लाई किया था, और ये मेरे बालों का कलर है। आप ये देख लें जी, ये देखें जी बिल्कुल कितना प्यारा और खूबसूरत कलर आया है। ये देखें जी, कुछ इस तरह से आपको समझ आएगी। ये देखें जी, ये वाला शेड है, और ये मेरे बालों में एग्जैक्ट आ चुका है, और कितना खूबसूरत कलर आया है। ये देखें, अच्छा ये वो शेड है रेवलॉन का। अगर आप अपने बालों में ग्रे हेयर्स में लगाते हैं तो आपके बाल जो है बालों में मतलब बहुत ही प्यारा सा शेड आ जाएगा, ब्राउन शेड आ जाएगा, फैशन शेड आ जाएगा। बाल आपके ना ऐसा कलर आएगा कि बड़े ही डिसेंट लगेंगे, और आपके सबसे बड़ी बात के बालों में कलर भी आ जाएगा, और आपके जो ग्रे हेयर्स हैं वो 100% इससे जो है वो कवर हो जाएंगे। और ये वो शेड है जो आपने लगाना है, अगर आप रेवलॉन यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए आपके ग्रे हेयर्स को भी कवर करेगा, और आपके बालों में बहुत प्यारा सा एक फैशन शेड भी लेकर आएगा। इससे लाइटर पर अगर आप जाएंगे तो वो फिर आपके बालों में, क्योंकि ये मीडियम ब्राउन शेड है, अगर आप डार्क ब्राउन पर जाएंगे तो वो आपके कह लेंगे ब्राउन पर आप जाते हैं या डार्क ब्राउन पर जाते हैं, तो फिर ये होगा कि वो आपके बालों में ना थोड़ा सा मतलब ये कि ब्लैकिश टोन में ले जाएगा। हमें चाहिए जी फैशन शेड जो कि हमारे बाल जो है वो थोड़े मतलब ये कि ब्राउन ब्राउन से भी लगे, बड़े प्यारा सा ब्राउन शेड हो बालों में, और साथ में हमारे जो है वो ग्रे हेयर्स भी कवर हो जाए, तो फिर आपने ये शेड यूज करना है। ठीक है जी, तो ये थी जी आज की वीडियो हेयर कलर की। होप सो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसी तरह की किसी वीडियो में आपसे जो है मुलाकात होगी, तब तक लीजिए।